हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हाइट एंड डिस्टेंस का एक और पार्ट। इस पार्ट में हम कवर करेंगे कुछ क्वेश्चन, जैसा कि मैंने पिछले कल वाली वीडियो में कहा था कि हम संडे को यानी आज एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम थोड़े और क्वेश्चन इसके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक, ये ट्राइंगल में हमारा ये एंगल आपका क्या था, ए बी सी, हमने इसको जो है थीटा मान लिया, ओके। तो हम लोग रेशियो फाइंड कर रहे थे ए बी बी सी ए सी का, जिसमें ए बी क्या है हमारा परपेंडिकुलर, बी सी क्या वर्क करेगा ऐसे, चलो ए बी लिख देते हैं आपका ए बी बी सी, और ए सी में हमारा रेशियो क्या था यह हमें आपको याद करके बताना है। आपको ये याद रहना चाहिए हमेशा, जैसे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे आपका रेशियो क्या था ए बी बी सी ए सी में, आपका रेशियो था इसमें 1, 1, 2 और √3, ये रेशियो था 30 डिग्री के लिए। थीटा जब आपका 45 डिग्री होगा तब क्या होगा, तब आपका रेशियो होगा 1, ए बी 1 होगा, बी सी 1 होगा और लास्ट वाला आपका होगा √2, ओके। और जब थीटा आपका 60 डिग्री था, अब ये नोट करिएगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। लास्ट टाइम पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने रेशियो लिया था थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे √3, 1, √2, ओके। √2 एक्चुअल में नहीं होगा, वो बाय मिस्टेक लिख गया था, 2 होगा, ओके। तो यहां पे आप 2 कर दीजिएगा, ये याद रखिएगा रेशियो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे आपका तीनों साइड्स में रेशियो क्या होगा √3, 1, 2, और तीनों साइड से मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर एज ए वर्क करेगा, दूसरी साइड हमेशा बेस के लिए वर्क करेगी और तीसरी साइड क्या हाइपोटेनस के लिए वर्क करेगी, तब ये रेशियो होंगे। आई होप कि ये वाला आप करेक्शन कर लेंगे, ओके। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया है द टॉप ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 24 मीटर एंड 36 मीटर आर कनेक्टेड बाय अ वायर। तो पहले हम लोग लाइन बाय लाइन इसका फिगर फॉर्म करते हैं। दो पोल दिए आपके, ओके, एक ये हो गया और एक ये पोल हो गया। दोनों पोल हॉरिजॉन्टल लाइन पे या फिर बेस पे कह लीजिए, एक ही जमीन पे होंगे, ओके। तो हम ये एक बेस बना देते हैं। दो पोल है, एक की हाइट क्या है 24 मीटर, ये 24 मीटर की हाइट मान लेते हैं इसकी। एक की हाइट है क्या 36 मीटर, तो ये हाइट कितनी है आपकी 36 मीटर, ओके। तो इनके जो टॉप है, इसका टॉप ये और इसका टॉप ये किससे कनेक्टेड है, एक वायर से कनेक्टेड है, ओके। तो ये वायर हो गई, कनेक्ट कर दिया दोनों के टॉप, और उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, यहां से एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और उससे एंगल क्या है 60 डिग्री है, ओके। तो यहां तक आपको फिगर बन गया। अब नेमिंग कर देते हैं, ए इस पॉइंट को दे देते हैं, बी इस पॉइंट को और सी इस पॉइंट को, और बाकी ये जो नीचे पॉइंट है इसको डी इसको ई। तो ये 24 मीटर है तो ये भी 24 मीटर होगा, और 36 माइनस 24 ये कितना आएगा, ये आपका क्या आएगा 12 मीटर आएगा। ये 24 मीटर है तो ये इक्वल होगी 24 मीटर यहां चला जाएगा, ओके। और बचा हुआ 36 माइनस 24, 12 मीटर कहां तक की डिस्टेंस है आपकी, ए बी, ए बी आपका क्या आ जाएगा 12 मीटर आ जाएगा। तो अब आपको क्या चाहिए होता है, आपको अगर वायर की लेंथ चाहिए तो मतलब आपको हाइपोटेनस चाहिए, और आपको परपेंडिकुलर दिया गया है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है, साइन में आता है पहली चीज, ठीक है। तो ये आपकी 12 मीटर दी गई डिस्टेंस, और ये आपको निकालनी है, इसको हम मान लेते हैं एल, लेट्स वायर लेंथ एल, अगर जो आपको प्रॉपरली सॉल्व करना हो। तो देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, 60 डिग्री एंगल के लिए हमारा क्या रेशियो था, 60 डिग्री एंगल के लिए ए बी रेशियो बी सी रेशियो ए सी आपका क्या था, आपका रेशियो था यहां पर √3 रेशियो 1 रेशियो 2, यही रेशियो था आपका। तो आपको चाहिए किसका रेशियो, आपको केवल जरूरत है इस 12 मीटर यानी ए बी की और ए सी की, तो ए बी और ए सी में क्या रेशियो है √3 रेशियो 2, ये आएगा। और अगर आप सिंपली सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, साइन 60 ये एंगल लेंगे इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी आएगा,
ए बी अपॉन ए सी आएगा यहाँ पर, और साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2, वापस से रेशियो वही आ जाएगा आपका, रूट 3/2 इक्वल टू ए बी क्या है आपका, ए बी आपका है यहाँ पे 12 और ए सी आपको दिया नहीं गया है, 12 कितना हो जाएगा 24/√3, एल की वैल्यू हो जाएगी 24/√3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं रूट थ्री से अगर 24 कैंसिल होता है तो क्या आता है 8√3, कैसे रूट थ्री का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और रूट थ्री का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर रूट थ्री आ जाएगा, और रूट थ्री आपका 3 बन जाएगा, 3 8 24, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है 8√3, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन सी सही है, ओके 8√3 मीटर आएगी लेंथ इसकी वायर की। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, एट ए पॉइंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रो द बेस ऑफ ए मॉन्यूमेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मॉन्यूमेंट इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट। अब टेंजेंट का मतलब क्या है, टेन थीटा, मतलब टेन की वैल्यू दी गई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, इज 1/5 ऑन वॉकिंग 138 मीटर, वॉकिंग 138 मीटर टुवार्ड्स द मॉन्यूमेंट। अब ये देखिए किसी पॉइंट से होंगे और हम लोग मॉन्यूमेंट की तरफ चलेंगे, कितना 138 मीटर, द सेकेंड ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब सेक की वैल्यू दी गई है, जो एंगल बनेगा एलिवेशन का, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा उसके लिए कितना दिया गया वैल्यू 193/12, अंडर रूट 193/12, द हाइट ऑफ मॉन्यूमेंट इज, हाइट फाइंड करने, देखिए पहले हम लोग को दिया क्या क्या गया है, हमें एक ये दिया गया है, टेंजेंट की वैल्यू दी गई, सेकेंड की वैल्यू दी गई, ओके तो देखिए आपका मॉन्यूमेंट है, मान लीजिए ये एक है, ठीक है, इसकी हाइट आपको पता नहीं है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, एच हो गई, ओके ये एच हो गई आपकी हाइट, फिर इससे किसी पॉइंट पे यहां पे मान लेते हैं, ठीक है, मॉन्यूमेंट और बड़ा कर देते हैं, ओके यहां पे किसी पॉइंट पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, मान लेते हैं वो एंगल क्या होगा, वो एंगल हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा है, ठीक, वो एंगल अल्फा है हमारा, जिसके लिए टेंजेंट यानी यहां पे टेन अल्फा की वैल्यू आपको दी गई है क्या 1/5, ओके उसके बाद ऑन वॉकिंग 138 मीटर टुवर्ड्स द मॉन्यूमेंट, अब इस पॉइंट से मॉन्यूमेंट की तरफ 138 मीटर चल रहे हैं हम लोग, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस 138 मीटर है, तो यहां पे कोई पॉइंट हमें मिलता है, मान लेते हैं डी, ओके अब ये जो एंगल आपका डी से फॉर्म हो रहा है, डी थोड़ा इधर कर देते हैं, ये जो एंगल आपका डी से फॉर्म हो रहा है, इस एंगल के लिए अब क्या दिया गया, सेकंड की वैल्यू दी गई, मतलब सेक, इस एंगल को हम लोग बीटा मान लेते हैं, ठीक है, तो सेक बीटा की वैल्यू आपको क्या दी गई है, बीटा की वैल्यू आपको दी गई है अंडर रूट 193/12, ओके sec बीटा की वैल्यू आपको अंडर रूट 193/12 दी गई है, तो sec हमारा क्या होता है, cos का अपोजिट, cos हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब sec होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस आपका ये होता है sec बीटा के लिए, हाइपोटेनियस आपका ये होगा और बेस होगा ये, ओके तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस है, तो ये आपका हो गया हाइपोटेनियस की वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी, ओके और नीचे जो 12 है वो क्या है बेस की, पर ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये रेशियो, जैसा कि ये होते क्या sec और tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ये लेंथ नहीं, ये रेशियो में है, इस रेशियो में दोनों लेंथ है, ये दिया गया है, तो आपको बेस पता चल गया क्या, अब हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी और ये हमारा डी पॉइंट, तो आपको क्या दिया गया है, ए बी मिल गया यहां से 193 रूट का और बी डी मिल गया क्या 12, तो यहां से हाइपोटेनस हमें क्या मिलता है ए डी और बेस क्या है बी डी, इसमें रेशियो आपका रूट 193/12, तो अगर हम वैल्यू रख के पुट कर दें तो हमें ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, ए बी की वैल्यू का रेशियो मिल जाएगा एक्चुअल में, ठीक है, तो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ए बी हमें कुछ ऐसे मिलेगा ए डी स्क्वायर माइनस
बी डी स्क्वायर। ओके, अब ए डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए डी की वैल्यू आपकी है रूट 193, रूट 193 का स्क्वायर क्या होगा 193। ओके, माइनस अब 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 193 से 12, 144 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आएगा 54, 64, 74, 84, 94, आपका आएगा 49, 49 आएगा अंडर रूट का, जिसकी वैल्यू क्या होगी 7। पर इसको आप यूनिट लिखेंगे, मीटर या फिर कोई भी इसकी लेंथ डिसाइड नहीं करेंगे। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, ए बी आपका आ गया 7 यूनिट। ओके, तो अब आपको यहाँ से ए बी पता चल गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए परेशान मत होइएगा। तो ए बी आपकी यहां से आ गई हाइट, हाइट का रेशियो आपको मिल गया 7 यूनिट होगा। ओके, जब आपको ये 7 मिल गया है तो आपको अब टेन की वैल्यू पता है, टेन अल्फा की कितना है 1/5, टेन अल्फा हमारा गिवन है 1/5। ओके, 1/5 है, टेन अल्फा होगा क्या एक्चुअल में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये परपेंडिकुलर है अल्फा के लिए और ये बेस है। ओके, तो परपेंडिकुलर आपका क्या है ए बी, और बेस क्या है बी सी, इक्वल टू 1/5 लिख देंगे हम लोग। ए बी आपकी वैल्यू यहां पे मिल गई है 7, ए बी की जगह हम लोग 7 लिख देंगे, 7 यूनिट है। तो बी सी क्या आ जाएगा, बी सी आपका आ जाएगा 35 यूनिट। ओके, बी सी आपका आ जाएगा 35, आपको मिल गया 35 यूनिट पूरा, बी सी भी आपको मिल गया, बी डी आपका कहां सेकंड से मिला था आपको 12, ये क्या था आपका बी डी, तो बी डी आपको मिल गया था क्या 12 यूनिट। ओके, अब आपको अगर डी सी चाहिए, सी डी यानी सी डी की वैल्यू क्या होगी, जाहिर सी बात है बी सी से बी डी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सी डी आ जाएगा, बी सी आ गया आपका क्या 35 यूनिट माइनस 12, क्या आ जाएगा सी डी की वैल्यू आ जाएगी, सी डी की वैल्यू जो की आएगी आपकी 35 माइनस 12 कितना होता है, कितना होता है आपका आता है 35 यूनिट 23, ये 23 यूनिट आएगा। ओके, अब आपको यहां से अब क्वेश्चन आपका हो गया, समझ लीजिए ये वैल्यू किसकी आई है, सी डी की आई है 23 यूनिट। ओके, पर एक्चुअल में सी डी गिवन क्या है 138 मीटर। अब आप देखिए सी डी 138 मीटर दिया गया है, तो 23 यूनिट आपका किसके इक्वल हो जाएगा 138 के, आपका इक्वल होगा क्या 138 मीटर के। ओके, 138 मीटर के, तो अब 1 यूनिट यहां से आपका क्या आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 23 से डिवाइड कर देंगे 138 में, कितनी बार में डिवाइड जाएगा आपका, डिवाइड जाएगा 6 टाइम में, आई होप, हाँ 6 टाइम में जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 मीटर। ओके, और आपकी जो मॉन्यूमेंट था उसकी हाइट क्या दी गई थी 7 यूनिट दी नहीं गई थी, मतलब हम लोगों ने पहले निकाल ली थी, तो ए बी जो मॉन्यूमेंट है उसकी हाइट 7 यूनिट थी, तो मीटर में क्या आ जाएगी 7 × 6 = 42 मीटर, क्योंकि एक यूनिट है 6 मीटर के इक्वल, तो 7 यूनिट है इसके इक्वल 42 मीटर के, तो यहां से आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट होता है, ये आपका क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था इसलिए आप रिपीट करके दोबारा देखेंगे तो आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगी। क्वेश्चन दिया गया है ए बॉय स्टैंडिंग इन अ मिडल ऑफ द फील्ड, ये थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, तो चलिए करते हैं लाइन बाय लाइन, पहले फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है हमारा, ओके, उसने क्या ऑब्जर्व किया, एक उड़ते हुए पंछी को, पंछी किधर उड़ रहा है नॉर्थ साइड में कहीं उड़ रहा होगा, आसमान में ही उड़ेगा, जाहिर सी बात है उसकी हाइट और लड़के की हाइट बराबर तो होगी नहीं, ठीक है, तो वो ऊपर ऊपर ही होगा उससे, ठीक है, कितने एंगल पे 30 डिग्री पे, उसने देखा 30 डिग्री पे, 30 डिग्री बना नहीं, ये देखिए यहां पे कोई पंछी है जो कि 30 डिग्री एंगल पे है। ओके, 30 डिग्री एंगल पे उसने देखा,
पहले, और फिर 2 मिनट बाद ही ऑब्जर्व द सेम बर्ड, इसी पंछी को उसने कहां पे ऑब्जर्व किया, साउथ साइड में। ही ऑब्जर्व द सेम बर्ड इन द साउथ, मतलब नॉर्थ के जस्ट अपोजिट, तो मतलब इधर आ जाएगा, ठीक है। इस बार जो उसने पंछी को कहां ऑब्जर्व किया, इधर ऑब्जर्व किया साउथ साइड में, एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन तब भी क्या था, 60 डिग्री हो गया। ये 60 डिग्री बना नहीं, रुक जाइए, इसको बना देते हैं प्रॉपरली। ये 60 डिग्री एंगल पे, और जो पक्षी इस समय कहां है, यहां पे है कहीं, ठीक है। इफ द बर्ड फ्लाइज ऑल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ओके, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक। थोड़ा ऊपर कर देते इसको, ओके, फिगर थोड़ा गंदा बना है, मैनेज कर लीजिएगा। तो पक्षी यहां पे पहुंच गया कितनी देर में, 2 मिनट्स में, ये याद रखिएगा। 2 मिनट दिया तो इसका वर्क जरूर है, इसीलिए दिया गया। इफ द बर्ड फ्लाइज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट अ हाइट 50√3, मतलब स्ट्रेट लाइन में कर रहा है मूव, लेकिन किस हाइट पे, 50√3 मीटर पे, ओके, 50√3 मीटर। तो इस पॉइंट को हम लोग ए मान लेते, इसको बी मान लेते, इसको सी मान लेते, इसको डी मान लेते, इसको ई मान लेते, ठीक है। 50√3 अगर वो है तो 50√3 इधर वाला भी होगा, ओके। तो आपको क्या फाइंड करना है कि यहां से यहां जाने में उसकी उसकी स्पीड क्या थी, स्पीड आपको फाइंड करनी है। टाइम गिवन है आपको 2 मिनट, स्पीड फाइंड करने के लिए आपको टाइम मिल गया, डिस्टेंस चाहिए होगी। डिस्टेंस मतलब यहां से यहां जाने में उसकी डिस्टेंस क्या है, ये जानना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर लेके 60 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग सीडी निकाल देंगे, और फिर 30 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग 50√3 हाइट लेके बीसी बेस निकाल लेंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। अब चलिए देखते हैं कैसे। आपका यहाँ पे एंगल क्या है, 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस में क्या रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस में आपका रेशियो होता है √3:1, ओके। परपेंडिकुलर आपका है 50√3, ओके, और बेस है आपका सीडी। ऐसे ही करना है आपको, साइन कॉस टेन इस तरह से लेके याद करके नहीं करना, आपको जो है रेशियो याद होंगे आप डायरेक्टली कर लेंगे। कैंसिल, सीडी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 50 मीटर, ओके, सीडी आ गया 50 मीटर। अब उसके बाद 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए क्या होगा, 30 डिग्री के लिए आपका रेशियो होगा किसमें, एबी अपॉन बीसी में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस में रेशियो क्या होगा, 1/√3 का रेशियो होता है, ओके, क्यों होता है, टेन 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3, इसलिए रेशियो क्या होगा, 1/√3 का। और यहां पे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर 50√3 एज इट इज, और नीचे क्या आ जाएगा, बीसी की वैल्यू, बीसी हमें पता नहीं है, बीसी हम फाइंड करेंगे, तो 50√3 × √3 क्या आ जाएगा आपका, 150 मीटर, बीसी आ जाएगा आपका 150 मीटर, ओके। तो ई से ए के बीच की डिस्टेंस आपको कैसे मिलेगी, ए इक्वल होगा किसके, बी डी के, और बी डी क्या होगा, देखिए ए आपका हो जाएगा बी डी के इक्वल, और बी डी आपका क्या है, 150 + 50 = 200 मीटर, ओके। और दूसरी चीज, आपको ये 2 मिनट दिया है, मीटर पर सेकंड में चाल देखते हैं पहले, 2 मिनट दिया है तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 60 मतलब 120 सेकंड हो जाएगा टाइम ये आपका, और ये आपकी हो गई डिस्टेंस। अब आपको स्पीड फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू आपकी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो सबको पता होगा। तो डिस्टेंस आपकी क्या है, डिस्टेंस है आपके 200 और टाइम है आपका 120 सेकेंड, ये है 200 मीटर और 120 सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा, 4 5/3 मीटर पर सेकेंड आएगा, ओके।
पर आपको किसमें फाइंड करने है, किलोमीटर पर आर में स्पीड फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे 18/5 का मल्टीपल कर देंगे। कैसे, किलोमीटर पर आर में फाइंड करने के लिए स्पीड में मल्टीप्लाई किसका होता है 18/5 का। ओके, तो इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 5/3 में, तो क्या आएगा 5/3 इंटू 18/5, 5/5 कैंसिल, 3 6 18 कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आर स्पीड आ गई आपकी। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आपका सी सही, डी सही है, ऑप्शन 6 किलोमीटर पर आर। बहुत इजी क्वेश्चन था, देखने में बस टफ लग रहा था, आई होप कि आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।